ओके तो देखो आज का टॉपिक का जो नाम है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन. तो आप लिख सकते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट. यूनिट्स एंड डायमेंशन. देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट, यूनिट्स क्या चीज़ें, ये आप सबको मालूम है. जैसे अगर मैं ये बोलूं कि टाइम के यूनिट्स क्या हैं, आप बोलते हो सेकेंड्स हैं. या मैं अगर ये पूछूं, उल्टा क्वेश्चन पूछूं, सेकेंड्स किसके यूनिट हैं, आप बोलोगे टाइम के यूनिट हैं. मैं पूछता हूं केजी किसके यूनिट्स हैं, आप बोलते हो मास का यूनिट है. तो मेरे कहने का मतलब कि आप यूनिट्स को देखते हुए बता सकते हैं कि मैं किस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ. डायमेंशंस क्या चीज़ है उसको अभी हम आज डिस्कस करेंगे. लेकिन ये चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से है, एक डेफिनेशन से है, और उस डेफिनेशन का नाम है फिजिकल क्वांटिटी. तो लिखें फिजिकल क्वांटिटी, राइट. फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. जैसे तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, कोई भी दुनिया में ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, कोई वैल्यू है उसकी, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मास को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. टाइम को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. आप डेंसिटी को, वॉल्यूम को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, वर्क को, एनर्जी को, सबको आप जो है मेजर कर सकते हैं. तो ये क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटीज. तो यानी कि हम किन्हें स्टडी करते हैं, हम तो वही चीज़ें स्टडी करते हैं जो मेजरेबल हैं. फिजिक्स में क्या स्टडी करते हो, जो मेजरेबल हैं. तो सारी क्वांटिटीज़ क्या है हमारी, फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर दो पार्ट्स में आके डिवाइडेड हैं. पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी डराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डराइव्ड क्वांटिटी बनाते जाएं, राइट. क्लियर है यहां तक? देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, या ऐसा बोलना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, जो किसी और क्वांटिटी से डराइव नहीं हुई हुई. और डराइव क्वांटिटीज नाम से ही पता लग रहा है जो फंडामेंटल से डराइव हुई हुई हैं. मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. सबसे पहले ये समझें, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, वो टोटल सिर्फ 7 हैं. सिर्फ 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं, बाकी क्वांटिटीज जितनी भी हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे वो सारी की सारी डराइव्ड हैं. किन से? इन 7 क्वांटिटीज से. तो कौन सी 7 क्वांटिटीज हैं, पहले ये लिखें. तो फंडामेंटल क्वांटिटी में पहली क्वांटिटी जो है वो है मास, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर. ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ठीक, तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, 8वीं नहीं है, बस ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट हैं. इनमें से जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं किसकी, मास की, मास की, तो मास किस में मेजर किया जाता है, जो मास है वो किस में मेजर किया जाता है, इन, सोच रहे हो, केजी. यूनिट्स क्या है इसके, केजी. लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर
डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन एक ही बात है, ठीक है। केल्विन भी टेम्परेचर मेजर करते हैं, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में भी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनोसिटी एक ही बात है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हम लाइट की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो एक प्लैनेट है, उसमें से लाइट आ रही है, जो स्टार है उसमें से लाइट आ रही है, या ट्यूब है उसमें से लाइट आ रही है, बल्ब है उसमें से लाइट आ रही है, तो कितनी लाइट आ रही है? मान लो 100 जूल की लाइट आ रही है। कितनी देर में आ रही है? लाइट तो फेंके जा रहे हैं पर सेकेंड, तो कितने टाइम में लाइट आ रही है? और 100 जूल की लाइट आ रही है, एक सेकेंड में आ रही है। और कितने एरिया में फैल रही है? तो कितनी लाइट आ रही है, कितनी देर में आ रही है, कितने एरिया में जा रही है, इनके कॉम्बिनेशन को इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। हम आज स्टडी नहीं कर रहे, ना में ज़रूरत है इसको स्टडी करने की, प्लस वन में इसको स्टडी नहीं करते, प्लस टू में करते हैं। पर हाँ, समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ लाइट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या ल्यूमिनोसिटी भी बोलते हैं इसे। और इसको मेजर किया जाता है किससे? कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म है CD, कैंडेला। क्लियर है? तो हम ये प्लस टू में देखेंगे कैंडेलास क्या होते हैं। तो लाइट को मेजर करने का यूनिट कैंडेला है। क्लियर है? और लास्ट आप केमिस्ट्री में करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल कॉन्सेप्ट, मोल्स। तो आप इसे मोल कॉन्सेप्ट में स्टडी करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो हम ये चीज़ तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ना तो मोल्स करेंगे, ना क्वांटिटी ऑफ ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट करेंगे, प्लस टू के अंदर एम्पियर करेंगे। मेन में जो प्लस वन की क्वांटिटीज हैं वो ये हैं। पर हाँ, ये सातों की सातों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज इन टोटल। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी पढ़ाई जाएंगी वो डराइव्ड होंगी। वो कहाँ से डराइव्ड होंगी? इन सातों से डराइव्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल पहली डराइव्ड क्वांटिटी का नाम है जैसे वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे होता है लेंथ या डिस्टेंस बाय टाइम या लेंथ बाय टाइम। एक बात बताओ, लेंथ क्या है? फंडामेंटल। टाइम क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल और फंडामेंटल को कंबाइन करके एक नई क्वांटिटी क्या की? डराइव। तो वेलोसिटी इज अ डराइव्ड क्वांटिटी। कहां से डराइव की? फंडामेंटल से। क्लियर है? जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी तो खुद डराइव्ड है, तो एक्सेलरेशन भी डराइव्ड है। भाई जब वेलोसिटी ही डराइव की गई है तो एक्सेलरेशन तो फर्दर वेलोसिटी से भी डराइव की गई है, तो एक्सेलरेशन भी डराइव्ड है। जैसे फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो खुद डराइव्ड है, तो फोर्स भी डराइव। अब आप जो मर्जी फॉर्मूला बोल दो वो बनेगा तो इन सातों से। तो क्लियर है यहाँ तक? तो डराइव्ड क्वांटिटीज क्या चीज़ हैं और फंडामेंटल क्या चीज़ हैं, ये डिफरेंस समझ में आ गया। ये तो सात से ऊपर जानी नहीं, बाकी सारी क्वांटिटीज इसी कैटेगरी में आनी है। और कौन कौन सी ड्राइव्ड हैं आज हम इसको और डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले एक और टर्म को पढ़ते हैं। अभी मैंने लिखा था ऊपर डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अगर मैं लिखता हूँ kg, यूनिट्स लिखता हूँ kg, तो आपको मालूम है कि किसकी बात हो रही है? मास की, मालूम है। पर अगर मैं यूनिट की जगह मास का एक सिंबल लूँ, ये एक सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है m, तो मास kg की जगह मैं क्या लिखता हूँ? m। तो हम बोलते हैं कि ये मास का सिंबल नहीं है, मास का डायमेंशन है। तो मास का डायमेंशन क्या है? m। उसी तरीके से लेंथ का डायमेंशन क्या लिया जाता है? L। टाइम का डायमेंशन क्या है? T। टेम्परेचर का K, टी नहीं है, सी नहीं है, K, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? A, एम्पियर से A। इंटेंसिटी का I, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का तो मोल, सिंपल मोल। तो ये इनके सिंबल्स हैं, सिंबल नहीं है, ये इनके डायमेंशन है। तो लिखो, तो क्लियर है? तो आज के बाद अगर मैं kg लिखूं तो भी मास की बात हो रही है, मैं m लिखूं तो भी मास की बात हो रही है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है? ठीक, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I है, जो आप जैसे I फॉर करंट लिखते हो, डायमेंशन उसका I नहीं है। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल ऑफ यूनिट्स और ये सब बना रखे हैं,
ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमने देखो ऐसे तो हम कुछ भी सिंबल लिख सकते हैं, पर नहीं, डायमेंशन अलग चीज़ है, डायमेंशन इसका स्टैंडर्ड सिंबल है। तो आप वैसे करंट को चाहे एक्स लिख लें, एक्स करंट है, लेकिन यहाँ डायमेंशन की फॉर्म में आप इसको ए ही लिखेंगे। सब रेजिस्टेंस, वर्क डन, जो है सब ड्राइव्ड है, करेंगे करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें जैसे वेलोसिटी की बात होती है, वेलोसिटी का किसने का डायमेंशन बताओ? तो बताओ, लेंथ का क्या है? एल। टाइम का क्या है? टी। लेंथ की जगह एल, टाइम की जगह टी। अब मैथ्स क्या कहता है? अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं, न्यूमिनेटर में ले जाऊं, तो क्या बनेगा? एल टी माइनस वन। तो ये क्या हुआ? ये डायमेंशंस को किस में पुट किया? फॉर्मूला में। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं है, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स को बोलते हैं डायमेंशंस, डराइव्ड क्वांटिटी क्योंकि फॉर्मूला से बनती है, तो डराइव्ड क्वांटिटी के सिंबल्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन। जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का क्या है? टी। तो यहां से आंसर क्या आएगा? एल टी माइनस टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वेलोसिटी का तो एज इट इज ऊपर से पुट कर दिया एल टी माइनस वन, और टाइम से डिवाइड किया, टाइम ऊपर चला गया, टी की पावर माइनस वन, माइनस वन वैल्यू का माइनस टू, तो एल टी माइनस टू। समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे फोर्स, फोर्स का मास की जगह डायमेंशन फॉर्मूला क्या? एम। मास का तो एम है। एक्सेलरेशन का क्या है? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो फोर्स का क्या बनेगा? एम एल टी माइनस टू। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूलाज बनाते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ये एम एल टी कर तो रहे हैं, कितने करें? कम से कम नहीं तो 40 to 45 फॉर्मूलाज आपको बना के देखने पड़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम 10 फॉर्मूलाज बनाएंगे, क्योंकि आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा 10 के बाद। उसके बाद जो बाकी फॉर्मूलाज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बनाने हैं। फिर अगला क्वेश्चन, 40 फॉर्मूला डायमेंशन करके करेंगे क्या? मेन चीज़ कर क्यों? कोई मोटिव ही तो होता होगा ना, भाई एम बस आज मन किया है, एम एल टी करके चलते हैं, बस हो गया। नहीं, कोई रीज़न होगा। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिसने बनाया उसका कोई लॉजिक है, वो क्यों बनाया उसकी एप्लीकेशंस हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको बताई जाएंगी। पर वो तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको क्या नहीं आते, डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो फिर एक काम करें, रजिस्टर का पेज हॉरिजॉन्टल लें, वर्टिकल ना लें, थोड़ा टेढ़ा करके लंबाई में ऐसे लें, और टेबल बनाएं। सबसे ऊपर यहाँ पर नंबरिंग दे सीरियल नंबर, ठीक है, फिर ठीक, फिर यहाँ पर लिखें क्वांटिटी, यहाँ पे लिखें फॉर्मूला, और यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे ज़्यादा आपको स्पेस यहाँ देनी पड़ेगी, यहाँ पे या यहाँ, या बराबर दे सकते हैं, ये कम स्पेस में रखना, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखें, एरिया, एरिया कोई फॉर्मूला एरिया को बोले, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। आप बस मुझे ये बताएं, लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो जिसके यूनिट मीटर है ना, उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल ही रहेगा, वो लेंथ की कैटेगरी में आता है। तो जैसे लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, तो जहां मीटर है वहां डायमेंशन फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे? इसका एल। और ब्रेथ भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो इसका डायमेंशन भी क्या रहेगा? एल। तो जिस जो भी मीटर है वो एल हो जाएगा।
तो ये भी एल, ये भी एल, एल इंटू एल क्या बनेगा, एल का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक। सेकंड, वॉल्यूम, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। बोलो लेंथ का डायमेंशन क्या, एल, ब्रेथ का क्या, एल, हाइट का क्या, क्योंकि हाइट भी मीटर में होती है, तो एल इंटू एल इंटू एल क्या बनेगा, एल का क्यूब। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, डेंसिटी फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन बोलो क्या है, m, मास इज m। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, बोलो l का क्यूब, निकाल तो लिया, l का क्यूब, l के ऊपर चला गया तो क्या बना, m l रेज टू पावर माइनस 3। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, l के ऊपर गया तो l रेज टू पावर माइनस 3। आप ये मत याद करना, आपको जब डायमेंशन वाला पूछा जाएगा तो आप ये करना, इससे आसान है बनाना, ये तो एक जैसे लगेंगे आपको। हाँ, बाय प्रैक्टिस याद हो जाए बात अलग है, वैसे याद हो जाते हैं बाय प्रैक्टिस काफी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस। ठीक, नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी किया हमने, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ का क्या है, एल, टाइम का क्या है, टी, तो क्या बनेगा, एल टी माइनस 1। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ऊपर एल टी माइनस 1, टाइम का क्या है, टी, तो क्या बनेगा, एल टी माइनस 2। क्या पॉइंट क्लियर है? ये रहा वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट, एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी, तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी क्या बनेगा, एल टी माइनस 2। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको ये आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो फटाफट बन जाएंगे। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि 40 फॉर्मूले में से 10 तो आपके पुराने 9th-10th वाले हैं, तो आसान लग रहा है, 30 आपने सुने ही नहीं, इसलिए आपको अजीब लगेगा कि 30 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसके। हाँ, यही तो मुश्किल काम है, 30 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इसके नए। बस जिसको फॉर्मूले याद हो गए उसका MLT याद हो गया। ठीक, इसलिए जल्दी हो रहा है क्योंकि 10 फॉर्मूले सुने हुए हैं, जो सुना नहीं उसका पहले मैं सुनाऊंगा, उसकी पहले हिस्ट्री बताऊंगा कि देखा ये यहाँ यूज़ होता है, फिर आप यूज टू होंगे, फिर आपको याद करने में अच्छा लगेगा। सीधा लिखूंगा तो आपको बोर लगेगा कि यार पता नहीं ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो इसलिए थोड़ा वहाँ टाइम लगेगा जहाँ पर मैं फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँगा। क्लियर है? ताकि चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। नेक्स्ट है सिक्स्थ, फोर्स। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या है, एम, एक्सेलरेशन अभी निकाला एल टी माइनस 2, तो क्या बना, एम एल टी माइनस 2। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है वर्क। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बोलो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस 2, ये रहा ना, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ, तो मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस 2। क्या स्टेप क्लियर है? फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और लेंथ का क्या है, एल, मल्टीप्लाई करेंगे एम एल टू टी माइनस टू। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक?
ठीक। ओके नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, बोलो फॉर्मूला एम जी एच, यही होता है ना एम जी एच। बोलो मास का डायमेंशन इज एम, जी का डायमेंशन इज, जी क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है ना, स्मॉल जी, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9 पॉइंट के यूनिट्स क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके यूनिट्स होते हैं एक्सेलरेशन के, तो स्मॉल जी का पूरा नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक होता है मैं कार चला रहा हूँ, मैंने रेस दबाई, दिस इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय मी, मेरी वजह से एक्सेलरेशन है, कार की एक्सेलरेशन है। एक है आपने एप्पल गियर दिया, सेब गियर दिया, अब सेब की स्पीड बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स, फोर्स ड्यू टू अर्थ को ग्रेविटी बोलते हैं, तो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, चाहे मेरी वजह से एक्सेलरेशन, चाहे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, चाहे आपकी वजह से, है तो एक्सेलरेशन ही ना। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो एल टी माइनस टू, तो स्मॉल जी एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू, ए और एक्सेलरेशन और स्मॉल जी में कोई फर्क नहीं, और हाइट की जगह एल, तो यहां पर क्या आएगा मल्टीप्लाई करके एम एल टू टी माइनस टू, क्या है पॉइंट, क्लियर है, ठीक है यहां तक, तो एम पुट किया, जी पुट किया और एच पुट किया, क्लियर, हाँ वो सेम हो गए, अच्छी बात है, अपना एक काम और कम हो गया। हम ऐसे करेंगे, अगर ये याद नहीं आया तो ये याद आ गया, वो पुट कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ओके हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ के यूनिट क्या होते हैं, ना ना जीरो नहीं बोलना, होते नहीं है, होते नहीं है, हाफ के यूनिट क्या होते हैं, होते नहीं है, तो हाफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, होता नहीं है, क्योंकि जिसके यूनिट नहीं है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, जिसके यूनिट है उनका डायमेंशन फॉर्मूला है, जिसके यूनिट नहीं है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। एक बात बताऊं, जिसका कुछ नहीं होता डायमेंशन फॉर्मूला में, जिसका कुछ नहीं होता, देखो जिसका तो होता है डायमेंशन फॉर्मूला, उसकी एम की भी कोई पावर होती है, एल की भी होती है, टी की भी होती है, लेकिन जो डायमेंशन लेस है, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी एम की पावर क्या होती है, आपने कहा होती नहीं है, आपने बोला जीरो, तो एम की पावर क्या कर देंगे, जीरो, होता ही नहीं है जब, तो जीरो। एल की पावर क्या कर देंगे, टी की पावर क्या कर देंगे, तो कोई भी अगर कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन यूनिट्स होते नहीं है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता था, ना ना तो उसकी एम की पावर आएगी, ना एल की, ना टी की, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज, जहां कुछ नहीं वहां वन, तो कभी भी लगाई लो कोई फर्क ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को या तो वन लिखते हैं या फिर एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिखते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है। खैर यहाँ पर तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं है वैसे, तो ये तो वैसे बता रहा था मैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की कुछ भी, आप बस ये बताओ काम की चीज़, हाफ के कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन फॉर्म पुट करना है इसकी जगह वन कर लो, जरूरत ही नहीं है, कुछ पुट ही मत करो। मास का क्या बोलो, एम, वेलोसिटी क्या एल टी का होल स्क्वायर भी तो है, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ओपन करो क्या बना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, लो एक और सेम बन गया, ये भी वर्क का भी, पोटेंशियल एनर्जी का भी, काइनेटिक का भी, सेम डायमेंशन फॉर्मूला। अब एक शॉर्टकट सुन लो, जिन क्वांटिटीज के यूनिट सेम होते हैं, वर्क के यूनिट क्या होते हैं जूल्स, काइनेटिक एनर्जी जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी जूल्स, तो जिन जिन के पीछे जूल लगा होगा उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, चाहे उनके बेसिक फॉर्मूले डिफर करें लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो आज के बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, हीट एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पता नहीं कौन सी एनर्जी, सब एम एल टू टी माइनस, चाहे फॉर्मूला आता हो ना आता हो, एम एल टू टी माइनस टू। तो ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, तो
तो अच्छी बात है ना आपके यार, तीन फॉर्मूले कम ही हुए हैं, ज्यादा क्यों हुए? तीन क्यों? हीट एनर्जी भी है और पता नहीं कौन कौन सी एनर्जी है सब। क्या जरूरत है फॉर्मूला याद करने की? नए नए फॉर्मूला याद ही मत करो, एक कर लो उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। अपने को तो ये चाहिए ना पेपर में, ये तो पूछेगा नहीं आपको, एम एल टू टी माइनस टू चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला आज का, इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स हम करेंगे फोर्स इंटू टाइम, इसको इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, टाइम का टी, मल्टीप्लाई करो एम एल टी माइनस वन। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम, अभी 10 हुए हैं, हमने 40 to 45 के आसपास करने हैं। इससे हमारा कम से कम कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन में जब हम एप्लीकेशन करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल में डायमेंशन फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूलाज यहाँ से देखने होते हैं। वैसे आपको याद होने चाहिए, ये तो नहीं कहूँगा, कम से कम ये तो याद ही होने चाहिए। तो इसलिए पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।